हेलो दोस्तों, लो आ गई अर्चना की चटपटी रसोई। चिकन 65 बनाने के लिए हमें चाहिए चिकन 250 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, कॉर्नफ्लोर पाउडर 1 चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, गरम मसाला आधा चम्मच, नमक आधा चम्मच, गोलकी पाउडर आधा चम्मच, दही 2 चम्मच, मैदा 2 चम्मच, 1 अंडा, मिर्च पाउडर आधा चम्मच और 3 से 4 हरी मिर्च, 3 से 4 बारीक कटी हुई लहसुन की कलियां। चिकन 65 बनाने के लिए पहले एक बॉल में चिकन लेंगे, उसमें हल्दी डालेंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, गोल मिर्च डालेंगे, नमक डालेंगे और उसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब उसमें दही डालेंगे और उसे फिर से चला देंगे। फिर उसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर और मैदा डालकर उसे अच्छी तरह से मिला देंगे। लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और 1 अंडा डालकर उसको अच्छी तरह से मिक्स करके उसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। अब हम सॉस बना लेंगे। 1 कटोरी में 1 चम्मच चिली सॉस और उसमें 2 चम्मच टमाटर सॉस, 1 चम्मच दही, लाल मिर्च और हल्का सा नमक डालकर उसे मिलाकर रख देंगे। मैरिनेट किया हुआ चिकन में आधा चम्मच गरम मसाला मिलाकर और उसको अच्छी तरह से लाल होने तक तल देंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें।
एक कढ़ाई में एक चम्मच तेल डालकर उसमें मिर्ची और लहसुन को अच्छी तरह से भून लेंगे। कड़ी पत्ता डालकर उसे 2-3 बार चला लें। उसमें तले हुए चिकन को मिला देंगे और अच्छी तरह से उसे चलाएंगे ताकि वो लहसुन सारे चिकन में मिल जाए। अब हमने जो सॉस बनाया था उस सॉस को भी उसमें डाल देंगे। उसे 5 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि वो अच्छी तरह से पक जाए। अब उसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और गर्मा गर्म खुद भी खाएं और अपने दोस्तों को भी खिलाएं। जय जगन्नाथ।